लुत्फ और सब कुछ आ रहा है, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। और आज मैं बहुत आहिस्ता बात करूंगी क्योंकि मैंने इसने आज पहली दफा ना अपना एपिसोड देखा है, खुद देखा है, तो अल्लाह माफ करे आप लोग किस तरह देखते हो ये वाही आती, मतलब टह 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 ऐसे लगता है कि दूसरा बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा, शहबाज शरीफ की तरह बोलेंगे, ठीक है, देयर इज नो अदर वे। अभी थोड़ी देर बाद ये वॉल्यूम फिर अपनी औकात पे आ गया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस। अच्छा, स्टार्ट हम करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने गले में ना डिमर लगवा लो, कंट्रोल बाहर ही रखा था कि हाँ मैं इधर से मैं हाँ खामोश हो जाऊँ, ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट, बस गॉड गिफ्टेड है, क्या किया जाए। आज पहले ये गॉड का गिफ्ट नहीं है, ये गॉड का दूसरों के ऊपर अजाब है। Honestly, जो मेरी existence है, I'm this small, ठीक है? अगर ये बाबा ना हो तो मेरे कहीं significance ना, मेरे कहीं सुनवाई भी ना हो, ये बाबा ही है जो आगे लेकर आई है, होनी चाहिए। हाँ, ये मेरे गले में ही रहने तो अच्छा। मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो दरख्वास्त की है कि मुझे ना उम्रे पे जाना है सऊदी अरब। ये ECL में इनका नाम है, मेरे ख्याल में है, क्योंकि वो ये तो बेल पे है ना। हाँ, तो वो तो इस वजह से शहबाजो कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। असल में जो इसमें रूमर है ना, आप मतलब फिर वही बात है, आप हम खबरों से हट के रूमर्स पे जा रहे हैं, लेकिन मजे के होते हैं। हाँ, लेकिन जो व्हाट्सएपी हलकों में जो जरा एक खबर चल रही है ना, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जाना है सऊदी अरब MBS को मिलने। हाँ, जा रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली प्लान ये, मतलब ये भी एक ख्वाहिश रखी जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ ही मरियम हो और लंदन से मियां साहब भी आ जाए अपने रियूनियन। मजे, ये आपको ना यहाँ पे फिर वो मतलब PTI वालों के लिए ना नमक खरीदने की जरूरत नहीं है, मिर्च तो बस पूरा वो पूरा हफ्ता जिसे ने तड़फ 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 के उन्होंने गुजारना है, तो हमारे पास कंटेंट भी बड़ा आया, उन्हें तस्वीरें लगा लगा के वो शुरू हुए होंगे। यार आई होप दिस रूमर टर्न्स, यार ऑनेस्टली बहुत मजा आए सीरियसली। खैर, वो वैसे ही इतने सड़े हुए अली, वो सड़े जब इमरान खान पावर में था वो तब भी इतने सड़े हुए रहते थे, मतलब आई हैव नेवर सीन अ क्राउड कि आपका बंदा आगे आ गया और आप अभी तक उतने ही जो है ना तकलीफ में। हमारा शहबाजू आता है, मैं तो जिंदगी स्कूल में आ गई हुई है कि बस ठीक है चल रहा है सिलसिला। अच्छा, देखें आप वो जाती हैं कि नहीं। अच्छा गाइस, हमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी किताबों में फैज़ अहमद फैज़ की शायरी नहीं थी, पता नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी, शुरू से ही नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन इंडिया के कोर्स में एक्चुअली उनकी थी और वहाँ से वो हटा दी गई है। हमारी किताबों में वाकई नहीं थी, जालिम भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, पता नहीं, अब मुझे तो याद भी नहीं। असल में ना वही वाला मसला कि बड़ी अब गलती का एहसास होता है, हमेशा स्कूल को जेल ही समझे, फुट्टे पे ही रहे हैं। और नहीं, मैं मुझे जहाँ तक याद है ना, हमें ज्यादातर वही मीर दर्द मीर रो रहे हैं, पिट रहे हैं, पिट से आपा चल रही है, अलामा इकबाल की शायरी होती थी। नहीं, वो वही सीना, अभी तुम आके मुझे बता रही थी कि कल पता नहीं तुम्हारा कोई फेयरवेल डिनर है, तुम तो उसको रगड़ा लगा दो। मैंने तुम्हें बताया भी है, कोलीग है यार, माफ कर दे। मैंने इसको पहले एकदम से मेरे ज़हन से जो पहली चीज निकली, हाँ, मैंने कहा तू कितने पढ़ी सी है, बगैरत है ईमान से। ये अमूमन ये जो रीयूनियंस और फेयरवेल्स और ये इस किस्म की चीजें होती है जब आप किसी जगह पे पढ़े हो। बकवास ना करो, तुम और मैं एक ही स्कूल में भी थे अली, बकवास ना करो सीरियसली। तो वही ना, हम तो पुट्टे पे होते थे, हमारा तो रीयूनियन होता, छह बंदे आ गए, ना किसी ने मिले ना किसी ने मुंह लाया, बट या वो जो है नज़म उनकी उसमें से हटा दी गई है। खैर, इंडिया बहुत फास्ट पेस पे ना पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है उनके लिए कि हमने भी ऐसा बनना है, तो गुड लक विद दैट, क्या हो सकता है। तो एक लोग साढ़ा की हाल है। अच्छा देखिए, हमने ना हमेशा ये बात की, अब आप ये सेंसर करने की कोशिश करेंगे जो कि आपने नहीं करना, वो हमेशा ये कि सिलिकन बूब्स और इनकी बहुत ज़्यादा बात होती है कि ऐसी, मैं कोई चीज़ नहीं सेंसर करता। हाँ ठीक है, सिलिकन बूब्स का बहुत ज़्यादा रहा, बड़ी वो एक क्यूरोसिटी, मैं अभी भी बड़ी क्यूरियस हूँ कि हाउ इज दिस वर्किंग, बट नेक्स्ट लेवल जो है वो अचीव किया हमने, हमारे यहाँ पे 3,000 जो है सिलिकन थम्स जो है ना फोर्ज वो पकड़े गए हैं, और उससे ये पता चला है कि उससे सिम में जो है ना उसकी वेरिफिकेशन की जा रही थी उन थम्स को लगा लगा के, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी का आईडी कार्ड नहीं होना था,
और वो दहशत गर्दी और बाकी जो जो भी इंतजार फैलाने वाले एलिमेंट्स है ना उसके अंदर वो इस्तेमाल होते थे। 3000 सिलिकॉन थम्स अली। अच्छा ये आइडिया ना मुझे बहुत दफा आया था। अच्छा ये फारे वो जब दफ्तर में पहली दफा बायोमेट्रिक लगी ना अटेंडेंस, हाँ, हाँ। तो मैं उस तक दोस्तों को ये कहता था कि यार मेरे थंब दी ना फोटोकॉपी करा लो थे जदों आओ तो वो ला दिया करो। वो पता नहीं फोटोकॉपी चलती है कि नहीं चलती, कि सिलिकॉन कहां से बनवाए थंब यार। मुझे ये भी समझ आ रही कि आपके थंब का एक खास पैटर्न होता है, ठीक है, जो सबका मुख्तलिफ होता है, जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, तो उन्होंने उसके ऊपर पैटर्न भी बनाया होगा। जाहिर है वो तो किसी के पैटर्न के ऊपर सिलिकॉन वो हमारा पैटर्न बना होगा उसके ऊपर। हां जे तुसी किथे थंब उन्होंने चेक कराया अपना तो उनका कॉल होएगा। दिस इज वेरी डेंजरस। इफ्तिखार फिरदौस साहब आपने ये स्टोरी ब्रेक की थी, तो अब मुझे आपने ना बताना है कि ये थंब का मजीद उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो मुझे नहीं मिल रहा था, बिकॉज देयर इज अ पैटर्न भाई, उसके बगैर कैसे हो सकता है। नहीं वो जाहिर है पैटर्न वाली सिलिकॉन थंब्स है ना। बट या एनीवेज तो खैर ये वाली जो न्यूज़ थी ना वो बहुत ही वो थी। अच्छा जी अच्छी खबरें हम सुनाएंगे इस जो नई गवर्नमेंट आई है, आई नो नो वन इज़ रेडी फॉर दैट, लेकिन अच्छी खबर तो है वो ये हुआ है कि 4 दिन के अंदर जो फैज़ाबाद से जो है ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जो है मेट्रो को लिंक कर दिया गया है और मेट्रो चलने लगे। सुभाष तो फिर स्टेपा ही है वे मेट्रो बस ये वो प्लान बन रहा। वैसे तो गुड स्टेप है भाई। हाँ मतलब वो ये 2018 में बनना था। हाँ तो अब बना की था तो एक काम तो उन्होंने आंदा है ना जिहड़ा काम उन्होंने आंदा है वो आंदा है ओदे से तुसी गल नहीं कर सकते। मेट्रो जहां जहां भी स्टॉल्ड है ना मेट्रो वहां आप शबाश ने को बुला रहे वो करवा देगा आपका सारा काम। अच्छा दूसरी खबर मैं इसमें ये भी दे दूं कि स्कर्दू जो है, मैं तो बल्कि जब ये बना था ना फिरदौस मार्केट वाला अंडरपास, तो वो तुम्हें याद है वो अंडरपास पहले तो खुल नहीं रहा था फिर फाइनली खुल गया, लेकिन उसके बाद कुछ 4 महीने तक जो उसकी सर्विस लेन्स थी वहां पे वो डबरी पड़ी हुई थी और वो यूज नहीं कर सकते थे। मैं इनको तब कहता होता था मशवरा देता था कि 4 दिन की बेल दो शहबाज शरीफ को, तब अंदर था इनू कटन को साफ करे ओदे बाद वापस अंदर करते हो हले ना ओदी जहाज चो मिटियो अंदर होने आई सी ओदे चो डिस्कस कर मैं बाहर क्या एना गंद एना गंद क्या हो गया सी वो घबराहट और वो एंजाइटी के हुन मैं इस गंद तक की करा। सो यू हैव एन आइडियल कैंडिडेट जिथे गंद गो पिया हो ना उनु बुला लो सफाई करा देगा ओथे बड़ा मैं। और वो उसके जो है ना वो जितना ज्यादा उसको एंजाइटी होती है ना उतना ना वो एयर और एक्सहेल करना शुरू हाँ तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऐना गंद क्यों लाहौर च पिया होया। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट जो अच्छी खबर है वो है स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल हो गया है। आज चार्टर्ड फ्लाइट वहाँ से मेरे ख्याल से उड़नी है, दैट्स गोना गो टू कजाकिस्तान एंड जर्मनी भी है। बड़ा लेवल हो गया है तो यार ये जबरदस्त बात है। हाँ ये टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए गोरा, मतलब जिसने आके जिसको ये लग रहा है कि जी मैं लाहौर उतरूंगा फिर मैं फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ूंगा स्कर्दू आना चाह रहा है तो स्कर्दू डायरेक्ट आ जाए, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। आपको टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए ना कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी। मतलब वही बात है कि आपको जो टूरिस्ट होता है, बड़ी दफ़ा हमने बात की है खुश्की का जानवर नहीं है, इसको गले में तरावट चाहिए yes. होती है, आपको वो फैसिलिटेट करना पड़ेगा। आपको और कुछ चीज़ें करनी बस देखें, यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना बोले कि जो इमरान खान साहब के ख्यालात हैं ना मेरे तकरीबन वही ख्यालात हैं कि जिंदगी के बारे में कि कैसी होनी चाहिए, बड़ा ढक छुप के रहना चाहिए और वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन मसला फिर वही है कि मतलब अमूमन होता ये है कि कुछ जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, तो हम लोगों में से जब कोई थोड़ी बहुत जवानी में अगर कोई पार्टी कर लेना तो वो उसके बाद ना गिल्ट में चला जाता है कि एम ए की कीता है। अच्छा वो उसका ना तो आपको चैन ही तब आता है जब आप कहते हो कि नहीं यार ये बहुत कुत्ता काम था, वापस बिल्कुल सीधी जिंदगी गुजारनी है। अच्छा तो मैं ये समझता हूँ, मैं खुद भी इसी नतीजों पे पहुंचा हुआ हूँ, जो फर्क है ना वो सिर्फ एक है। खान साहब कहते हैं कि बाकियां भी बंद कर दो। हाँ मैं अपनी नौजवान नस्ल नु जेड़ा ना ठीक करना मैं ताड़ा पे हूँ। हाँ तो मेरा ये ख्याल है कि बाकियों की खुली रहने दें, वो भी हमारे जैसे हैं। एक तो सब नहीं करना चाहते यशी को खास, दूसरा ये कि जो करना चाहते हैं करने थे, कार कुर के उन्होंने वापस ऐसे ही आना है।
ये जो आप कहते हैं ना बंद कर दो, इससे इस तरह टूरिज्म नहीं चल सकता। मतलब बात फिर वही है, अगर किसी खातून का दिल है कम कपड़े पहन के बीच पे बैठने का तो बैठे रहना, तो तनु की कहंदी है अली कहंदी है हुने दी गल ते। अगर तो आपने ये खत्म कर ली हो, अगर आप कोई और पॉइंट करना चाहते हैं तो तुसी वेख्या ना कि तुर्की दा ट्रेंड बंदा पे उथे हाँ। पाकिस्तानी मर्दा दे अगेंस्ट बिकॉज दे आर देयर एंड दे आर मेकिंग वीडियोज ऑफ वुमेन विदाउट परमिशन और बाहर से बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल पोजेस के अंदर जो है वो पीछे कैमरा ले लेके जा रहे हो। जो लड़की चाहती है उसके पीछे 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 हो तानू गैरत नहीं आंदी है। एक तो उन्हां दी कुड़ियां नूं जाके कहंदे हो कि तुसी इस एड विच क्यों आए हो, तुहाडी ब्रा क्यों नजर आई है, तो उत्तों तुसी उधर पीछे पीछे जा रहे हो। यहाँ कोई शर्म कोई है या? अगर यहाँ पे टूरिज्म करना है वो तो या तो कोई थोड़ी सी लड़की का कोई टांग नजर आए वो तो उसका जीना हराम कर देंगे इस बात पर। अगर वो उधर चैन नहीं आ रहा तो यहाँ कैसे, वो तो कहेंगे हुण ते साडा मुल्क ऐसी जो मर्जी करिए इहदे नाल। हाँ वहाँ पे मसला हुआ है ये है कि ट्विटर पे पाकिस्तानी मर्दों के खिलाफ ट्रेंड चल पड़े होना चाहिए, और जिससे मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कोई खास, सिवाय इसके कि मुझे अब घबरा ये पै गया है कि हमारे वीजे ना बंद हो। वीजे बंद होंगे मतलब नेक्स्ट स्टेप यही है, अगर आप लोगों को तमीज नहीं है ठीक है ना, मतलब मसला फिर वही एंड जो मसला है जो कि हर चीज में हमारा ही होता है कि हम वैसे यहीं पे रहने वाले हैं, हमने यहीं रहना है, हमें बाहर कहीं चैन ही नहीं आता, मजा भी नहीं आता। लेकिन यार वीजे बहरहाल हमें चाहिए, हमारे वीजे ना बंद करवाएं प्लीज। नहीं इस तरह की हरकतें करेंगे तो मसा मसा मार के तो तीन चार कंट्री ने जिथे आराम ना फिर भी ताड़ा ना वीजा लग जाता है ठीक है। थाईलैंड जो मैं थाईलैंड से वापस आया था वहाँ, टर्की ठीक है, जो बाकू है और इनके जो है वो रिलेटिवली या बाली वगैरह के आपके ईजीली लग जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पसंद आ रहा मेरे ख्याल से। सो प्लीज़ कंट्रोल ठीक है, आप रोबोट्स रोबोट्स ही अपने आप को समझे, जो इमरान खान भी कहते थे। वैसे भी आपने अगर वीडियो देखनी है तो हर तरह की वीडियो पड़ी है ऑनलाइन, आप बना क्यों रहे हैं? अगर आपको इतनी आग लगी हुई है तो होटल के कमरे में वीपीएन लगा के, आई थिंक वहां पे तो वीपीएन का भी सीन है, वहां खुला खाता है, तो इसी लाके वे को जड़ कर ले। हर तरह की फेटिश यस अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देखें लेकिन आप बनाए ना हाँ पूछे बगैर एग्जैक्टली हाँ मर्जी से, वो अगर कंसेंट है फिर बनाए हाँ, नहीं वो पीछे जा जा के अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा लेकिन समझ लीजिए कंसेंट के साथ इज अ डिफरेंट थिंग, बट जिस तरह वो बनी हुई है ना अली, तो वो बहुत ही घटिया तरीका था ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी तो ये हालात है। अच्छा गाइज ये ना दो खबरें आई हुई, अब इन एक्ट्रेसेस का मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता, लेकिन ये खबर ये थी कि एक दरफिशा हैं उनके बारे में ये पता चला है कि वो जिस होटल में रह रही थी ना वहाँ से उन्होंने जाय नमाज जो है ना वो चोरी कर लिया था, क्योंकि वो कह रही थी वो बहुत नरम है ठीक है। और फिर उसके बाद उनको मिकाइल ने कहा कि आपको शर्म नहीं आई आपको कि आप वो चुरा रही थी, कहती है कि अल्लाह भी मुझे इस पे क्या हिसाब देगा, मैंने तो नमाज ही पढ़नी थी ना उसके ऊपर तो। हाँ नहीं वो अल्लाह ने खुद तो पता नहीं, मसला तो ये है कि वो होटल वाले अगर उनको नुकसान हुआ है तो वो एक मसला है, बाकी तो हाँ। अब मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि नरम जाए नमाज, ये कोई पुरानी बात जाहिर है वो बता रही होंगी, और पहले यहाँ पे नहीं मिलती थी अब तो। और ये मुझे इतने अरसे का, मेरे पास ना हमेशा से मसला रहा है सरमाए का हाँ। मतलब मैं तो कौम का सरमाया हूँ लेकिन मेरे पास ना सरमाया कभी नहीं रहा ओके। वरना मेरे पास जो बिजनेस आइडियाज थे ना हमेशा से वो बहुत बड़े थे, मतलब मैं कई सालों पहले दोस्तों को कहता होता था कि यार इन्वेस्ट करते हैं बूढ़ों के लिए, यहाँ पे जाय नमाजें नहीं होती जिनके नीचे फोम लगाओ। तो अब खैर मेमोरी फोम वाली जाय नमाजें आ गई हैं, तो ये आज भी अगर कोई मेरे पे इन्वेस्ट करे ना मेरे पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज हैं। अली आप ना आहिस्ता आहिस्ता वो साउंड करने लग गए, मुझे इसका सबसे ज्यादा पता है, बाकी सारों से ज्यादा पता है ठीक है अपने आइडियाज के हिसाब से, बट एटलीस्ट ही हैज आइडियाज यस डेफिनेटली। तो और इसी तरह एक और एक्ट्रेस है ज़ुबाब राना, वो कह रही है कि जी मुझे एक नेक लड़के की तलाश है शादी करने के लिए। अली क्या आप नेक हैं? अगर मियां साहब शरीफ हो सकते हैं तो मैं नेक क्यों नहीं हो सकता? इसमें ना फैज साहब का मैं एक शेर पढ़ूंगा जी, जी। कि हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। तो बेसिकली मसला ये है कि आपको पता है कि अच्छाई का तो जमाना नहीं रहा, अब जैसे मुआशरा है उसमें मेरे से ज्यादा शरीफ आदमी तो आपको नहीं मिलेगा ओके
और जाहिर है अब हम एक गलत टाइम पे पैदा हो गए हैं फेसबुक वाले में, वो जो अब ना मल्टीपल शादियां नहीं हो सकती, हाँ पता चल जाए, हाँ तो वो, लेकिन पुराना जमाना बहुत अच्छा था कि एक इंग्लैंड च रखी दूसरे कि आपस में कभी भी कांटेक्ट नहीं होता, पड़ोल घर के बच्चे निकल आते थे तो कहते हमारा बाप सेम था, ठीक है वो भी 20 साल बाद। अच्छा आप ना शौक में आके अंकल्स जो है ना वो स्टेटस अपना अपडेट कर देते हैं सेकंड मैरिज का, ठीक है जाके फेसबुक पे लगा देंगे, हाँ मेरे अंकल ने किया है, वेरी नाइस, बड़े आराम से उन्हें जाके कहो हाँ कीती है फिर क्यों होया। सो लेकिन उनकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी पहली, मुझे नहीं समझ में आती अंकल आपके साथ क्या हुआ था, मेरी ऐसी बीवी होती मुझे कभी ना छोड़ती ऑनेस्टली। खैर ये पोटेंशियल नहीं, वो उसके दूसरी के इखलाक से मुतासर हो गए होंगे ना, अली मैं तेरा गला दबा देना है ऑनेस्टली खलास ब्रो। अच्छा ये ना एक खबर अभी अभी चल रही है, तुम लोग जो है ना जो सिर्फ नजर आने वाली, नहीं मेरी बात सुनो, आंटी खाना भी बहुत जबरदस्त बनाती थी, बच्चे भी बड़े अच्छे उन्होंने पाले, बड़े कामयाब बच्चे, उसके बाद आप क्या चाहते हैं, दूसरी वाली वॉल्यूम बिल्कुल ऊंचा हो गया, दूसरी वाली दिल की अच्छी होगी। ये अपनी बेस बना रहा है बेसिकली कि मैंने दूसरी शादी क्यों की। खैर क्या नाम है जवाब राना, ये हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट है, आप इनसे रब्ता कर सकती है, नेक आदमी है, कर लें इनसे ब्याह। अच्छा गाइस मैं अभी देख रही थी कि शाहिद अफरीदी ने एक मेगा स्टार लीग जो है वो लॉन्च की है, जिसके अंदर शोबिस के सितारे जो है अपने क्रिकेटिंग स्किल्स को दिखाएंगे और क्रिकेटर्स भी होंगे, ये सितंबर का एक वीक का इवेंट है, वैसे है ना शुगर ही है, वैसे करना बहुत अच्छी बात है ना, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है यार, जिस चीज की भी टिकट बेचती है बिकती है वो कर देना चाहिए, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक वी शुड एनकरेज दीस लोकल टूर्नामेंट्स, इस तरह के बहुत सारे कराने चाहिए, ठीक है हेल्दी एक्टिविटी हो और है कि एथे करन आस्ते, हां मुझे भी खिलाए, तुम खेलोगे, हां अभी भाग लेते हो, नहीं बैटिंग कर लेता हूं, अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते तुम, इसकी एक शादी हो गई मैं उसी पे बहुत हैरान होती कि अली ये कैसे हो गया, सलाम है भाभी को। अच्छा ये शोबिज़ के सितारों से ना मुझे याद आया कि अभी मैं हमने एक वीडियो देख रहे थे, उसके अंदर जो है ना पाक आर्मी की सपोर्ट के अंदर हमारे शोबिज़ के सितारे निकल गए हैं, उन्होंने फेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं और जो प्रोपेगेंडा चला रहा है उसके अगेंस्ट वो सामने आए, वीडियो शुरू हुई है हुमायूं सईद के साथ, उन्होंने ऐसे करके कहा कि पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं उनके सपोर्ट में, फिर फाखिर आया और उसके बाद जो चेहरे आए ना कोई रिकग्नाइजेबल नहीं था, एंड एवरीवन इज आउट एंड अबाउट, फिर उन्होंने जो ट्रेंड किया है उसका वो जो स्क्रीनशॉट था वो भी डाला हुआ था, बड़ी मुहिम चल रही है इस टाइम नहीं, हाँ वो हम तो कईयों को नहीं पहचानते थे, उसकी वजह है कि हम ज्यादा देखते नहीं है ये पाकिस्तानी ड्रामे, नहीं अल्लाह मैं देखती हूँ अली, मैं अच्छा, सब कुछ देखती हूँ, लेकिन जो इसमें मजेदार बात थी ना वो ये थी कि पीटीआई ने कहा ये उसमें आ गए, उसके हाँ? बाद इन्होंने कहा उधर चले, इनको जो बुलाते हैं चले जाते हैं, सिर्फ अगर हमने कभी कह दिया ना कि माहौजारियां का शाउट आउट दे दें तो इन्होंने हाँ? पैसे मांग लेने, एग्जैक्टली ठीक है, ये दोनों तरफ जो पेंडुलम जो है ना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मतलब एक जगह आप पीटीआई को करें जो कि ऑब्वियसली एक नैरेटिव के साथ आई हुई है, एंड ऑन द अदर हैंड आप जो है ये कर रहे हैं, खैर वो वीडियो है बहुत फनी, हां और दूसरे ये कि अगर कोई मशहूर आदमी हमें देखता है तो शाउट आउट दे दिया करें, हाय देखता है ना एक, अच्छा हाँ, कौन है, नदीम असलम, हाँ वाह हेलो नदीम साहब को शाउट आउट दे, शाउट आउट तुसी देओ, मैंने पता है तुसी किताब लिखते हुए तारे को टाइम नहीं, लेकिन 2 सेकंड हाँ, किताब में ही लिख दे, हाँ लिखते लिखते कि मैं माहो जारियां देख रहा था, हाँ ठीक है, और माहो इतनी प्यारी बातें कर रही थी, ठीक है ना, तो इस तरह से आप शाउट आउट दें, या फिर ओए शुरू में जो होता है ना वो शाउट आउट देते हैं कि इन द लविंग मेमोरी ऑफ अलाइव माहो एंड अली, नहीं अल्लाह ना करे, आप इस तरह भी लिख सकते हैं प्लीज डेडिकेट समथिंग टू अस नदीम असलम साहब, ये काट के ना फरीद को भेजना है, फरीद आके भेज देगा। अच्छा जी लास्ट जो है ना, आप कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ मिस कर दिया था जब इतनी हैपनिंग थी, वो तो तोशा खाना, ठीक है तोशा खाना पे बहुत अरसा पहले भी अभी खबर आई थी, एंड दे वर वेरी साइलेंट कि हमने नहीं बताना, हमने नहीं बताना उधर क्या हो रहा है, फिर एकदम से खबर निकली है सारा कुछ जो हुआ है कि इमरान खान ने बहुत सारे गिफ्ट्स अपने पास रखे हुए हैं, उसके अंदर वो 16 मिलियन की एक जो घड़ी है जो सऊदी किंज ने उनको दी थी वो भी रख के बैठे हुए, और पता ये चला कि उसके अगेंस्ट 65% आपको पेमेंट करनी होती है और वो उन्होंने नहीं की है, फिर उन्होंने कहा कि मैंने वो बेच दी है, तो मैं ना अपने घर के बाहर जड़ी है ना सड़क बनाई है, फिर उन्होंने क्या किया था एक और चीज़ भी बनाई थी, पता नहीं एक और चीज़ भी थी, हाँ वो तो खैर हाँ। इस्लामाबाद के मेयर ने कहा जी कि मुझे तो उन्होंने सिर्फ पता नहीं 3 लाख के 30 लाख हाँ, इसमें कैसे वो बाकी पैसा किधर गया, मतलब वो बात भी हो रही थी, असल बुनियादी बात पता है क्या है, वो ये है कि इन्होंने पीटीआई ने उसके बाद कहा कि नहीं वो तो
पिछली हुकूमत ने, पिछले प्राइम मिनिस्टर ने भी दो तोहफे रख लिए थे, उससे पिछले ने भी एक हार रख लिया था, उससे पिछले ने गाड़ी के पत्नी क्या रख ली थी। अच्छा वो ठीक है, वो रख ली होगी, ज्यादती की नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन ये ना समझ में आता है कि जी मुझे चीज़ बहुत पसंद आ गई है तो ये पैसे लें व्हाटएवर 30% 50% जो भी है और ये मैं रख लेता हूँ। उन्होंने वो रखी भी है, इन्होंने तो कारोबार बना लिया था, ये तो ले लेके बेची जा रहे, बेची जा रहे ने। उन मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन मैं ना वही वाला बिहेवियर है बहुत ज्यादा कि बेची जाओ ते लाई जाओ। तो ये जो है ना, ये तो एक बकायदा मसला है कि आपने तोहफे बेच बेच के उसके पैसे पॉकेट करी जा रहे हो। उस पे आजकल तो अब तो वो भी आना शुरू हो गया ना, अब आज के कल खबर आई थी कि मलिक रियाज साहब ने फरा साहिबा को भी जमीन 200 के नाल लौट की। लोटी लोटी पड़ी हुई है असल। तो और भी बड़ी चीजें अब तो सामने आ रही हैं, वो एमजी का स्कैंडल निकलने लगा है, उसकी अंडर इनवॉइसिंग हुई हुई है, बड़ा मजा तो वो हाँ, हाँ। खैर अच्छा, अब पता है वही बात, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, कि ये तो खैर तोशा खाना तो ये तो बिल्कुल खाली करेगा ना, ये तो टेबल मैट तक ले गए। सीरियसली नहीं, वो क्योंकि होता पता है क्या, ये अब जाहिर है मैट उस तरह से तो टेबल मैट कितना को कीमती होगा, लेकिन वो क्योंकि अगर किसी मुल्क ने किसी मुल्क को तोहफा दिया है तो वो जाहिर है वो कोई हैंड क्राफ्टेड टाइप चीज़ होगी, तो ये इन्होंने कोई अलहदा से उसके लिए मार्केट ढूंढी होगी शौकीन के, जी ये आप चेक करें 1 in a million पीस टाइप देखें। ऐज कमाई करदा पिया इमरान खान ऑनेस्टली। वो देखें ना कि वो तो, घड़ी जो इन्होंने एमबीएस की बेची, जो एमबीएस वाली घड़ी थी वो इन्होंने जाके घड़ी बनाने वाली कंपनी को बेची, जिसने फिर एमबीएस को फोन किया कि भाई दी तुसी दो ड्राइवर से एक वापस आ गई। वैसे ना अल्लाह दी कसम ओ ड्राइवरी करदा पिया सी जदों एमबीएस इत्थे आया सी, ओनू घड़ी देख के गया, ओ बेचन लग पिया। वो असल में मैं फिर एक और नतीजे पे भी पहुंचा हूं, मतलब नतीजे पे क्या मेरा ख्याल ही है, टेवा है, गलती साबित हो तो बेहतर है, कि वो होते ना कभी के दिन बड़े कभी की रातें हैं, कि एक टाइम था कि बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर कोई बात कर देता तो घर FIR आ जाती थी, लेकिन खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना कि खान साहब अपने ऊपर छींट नहीं आने देते, सबसे पहले किसी को ट्रक के नीचे दे देते हैं, तो कुछ बईद नहीं है कि खान साहब अभी कहें कि जी मैं तो नहीं था, वो बुशरा बीबी ऐसी जाके उसको करना जो करना है। अभी वैसे उन्होंने ये बयान दिया कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, ठीक है मुकाले मैं जो मर्जी, मेरा तोहफा है, सारे उनसे घबराते इतना है और पता नहीं की हो जाए जेल ही कुछ होने लग पाए। हाँ, और दूसरे ये कि अगर कभी उनको कोई हिरासत में रखा भी गया या कोई जेल में लेके भी जाया गया तो भाई मेरा फिर वही बात है, टेवा ही है कि जैसी लग्जूरियस जेल उनकी होगी ना, वो किसी XPM ने भी नहीं काटी होगी, क्योंकि मसला फिर वही है, अब तो उनके CV पे ये आ चुका है कि उन्होंने एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया। हाँ, ओथे लाइन लग जानी है सारे मुरीदा दे। तो वो जो एक यहाँ पे ऊपर से वो खौफ जो होता है ना कि कहीं माइंड कर गई तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है, तबाह हो जाएगा। हाँ, तो वो उधर वो एक साइट होगी देखने वाली कि वो तो क्या हो रहा है। जेल वैसे उधर हम प्रोग्राम करेंगे, जेल का पता चला सामने से किसी ने नेड़े नहीं पड़कन देना यार अली, क्या फायदा। हाँ, खैर तो ये बार अभी कितने दिन हो गए हैं नई हुकूमत को आए हुए? हफ्ता डेढ़ ही हो गया। हाँ, हफ्ता डेढ़ हो गया, अभी तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। हाँ ठीक है ना, अभी तक मैं इसी इंतजार में हूँ, बड़े मैंने हिंट मारे हैं, बड़े मैंने ट्वीटें की हैं, अभी तक मुझे किसी ने थूका तक नहीं है, तो देखें शायद कोई हो जाए। तो तोशे खाने से याद है कि प्रोग्राम का एंड हम उस पे करते हैं, वैसे बड़ा ही वाह याद गाना है, लेकिन ज़्यादा लगता है मुझे ये गाना, लेकिन गा प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, दिल के बहाने मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए, तोहफा 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 लाया 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 इसे चिट्टे जूते के साथ।
कासनी दुबट्टे पालिए मुंडा आशिक तेरे ते आलू मटर पकाए हुए ने। अच्छा पंजाबियों का टप्पा भी खुराक के बगैर नहीं नहीं, 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 नहीं गोश्त पिंडी सारा हाँ, कुछ आ जाएगा। आलू मटर पकाए हुए ने साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था प्यासा था तुम याद करो सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के थोड़ा सा घबराई थी तुम याद करो माड़ा है ते माड़ा सही यार तो है कुछ भी होवे ओ साडा यार जो है वे ढोले दा वे माये दा गिला करा वे मैं लखवारी बिस्मिला करा चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा ए ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा ए साडे कोलो वड़ा फनकार जो है कुछ भी होवे ओ साडा यार जो है वे ढोले दा वे माये दा गिला करा वे मैं लखवारी बिस्मिला करा अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते अज पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते ऐ रंग कदे नी पाया कदे पाके नी अजमाया पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते रल लुडियां छुडियां पा साड़ी फरमैश ते। पूरा मेरा एक शादी मेडले तैयार इधर इस्तेमाल हो गया। ठीक है जी, आपने अगर बुलाना हो शादी पे गाने के लिए तो अली को जरूर बुलाइएगा। मैं वैसे ही खाने के लिए आ चुकी हूं, बुलाना जरूर है। तुम ढोलकी पे चम्मच देना। ठीक है जी, एनीवेज गाइस आई होप यू हैड फन, बहुत मजे का गाया। सी यू गाइस टुमारो।